सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से हुई मौत को मेडिकल लापरवाही मानकर परिवार को मुआवजा देने की मांग ठुकरा दी है। यही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बड़ी संख्या में मौतों का होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हर मौत मेडिकल लापरवाही का ही मामला है। वहीं बता दें कि 30 जून को दिए गए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोरोना से हुई हर मौत के लिए मुआवजा देने को कहा था। कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कहा था कि वह 6 हफ्ते में मुआवजे की रकम तय कर राज्य को सूचित करे। कोर्ट ने माना था कि इस तरह की आपदा में लोगों को मुआवजा देना सरकार की वैधानिक कर्तव्य है, लेकिन मुआवजे की रकम कितनी होगी यह फैसला कोर्ट ने सरकार पर ही छोड़ा था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने डोर टू डोर कोविड वैक्सीनेशन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि इस तरह के आदेश से कई तरह के प्रशासनिक जटिलताएं होंगी, इसलिए ऐसा कोई जेनेरिक आदेश नहीं दिया जा सकता। अदालत ने कहा कि देश में टीकाकरण सही तरीके से चल रहा है, 60% लोगों को कम से कम एक टीका लग चुका है। अदालत ने कहा कि अलग से आदेश की कोई जरूरत नहीं है।